हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एडुटेरिया का करेंट अफेयर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी हम नेशनल करेंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। नेशनल करेंट अफेयर्स जो कि चैप्टर नंबर 44 है, उसमें अप्रैल महीने का करेंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। पेज नंबर आपको देखना है तो पेज नंबर है 95 इंग्लिश वाले में, और हम दोनों से कर रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी साथ साथ कर रहे हैं। कोई भी डाउट होगा तो आप पूछिएगा, और कोई भी फीडबैक देना हो, कोई भी कोर्स से रिलेटेड कुछ भी मैसेज करना तो आप इस नंबर पर मैसेज करना। अप्रैल महीने में एक वीडियो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी 30 जो एमसीक्यू है वो 30 करेंट अफेयर्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। 31 से आगे डिस्कस करते हैं अप्रैल महीने में। ऑलरेडी हम जुलाई, जून, मई का डिस्कस कर चुके हैं, ये 2022 की बात करें। नीति आयोग ने एक बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाया है। मेन काम इनका क्या है, इस पॉलिसी के अंदर क्या किया जा रहा है, पर्पस मेन है कि जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके, और इसके लिए थोड़ा सा उसको सस्ता बनाया जाए, तो फास्टर एडॉप्शन ऑफ ईवी पे बात किया जा रहा है। इसलिए नीति आयोग ने बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी लाई है, और ये अभी उस सिटी में लागू होगा जिसकी जनसंख्या 40 लाख से ज़्यादा है। बाद के लिए बाद में बात करेंगे, पहला फेज में यही हो रहा है। मतलब देखो, इलेक्ट्रिक व्हीकल आप बोल तो रहे हो, लेकिन उसको सस्ता तो करो, सस्ता करने का उपाय करोगे तब तक लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूज करेंगे। क्लियर। 33 नंबर है कि 400वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है, किनका, सिख 9th सिख गुरु जी का, क्या नाम है, तेग बहादुर। ठीक है, किस दिन सेलिब्रेट किया गया, 21 अप्रैल को, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सेलिब्रेट किया, एड्रेस किया था उस मीटिंग को, उस फंक्शन को। माधवपुर मेला बहुत फेमस है। हमारे जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद साहब, उन्होंने 5 दिन का कल्चरल फेयर मनाया, इनागोरेट किया, वहाँ पे मनाया जाता है हर साल। माधवपुर मेला इसलिए फेमस है, गुजरात में है इसलिए फेमस है। लोग कहते हैं कि ऐसी प्रथा है कि वहाँ पे शादी हुआ था लॉर्ड कृष्णा और रुक्मणी जी के साथ, दोनों का शादी हुआ था। एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फास्टर, सॉफ्टवेयर नाम है फास्टर। फास्टर का फुल फॉर्म है द फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक रिकॉर्ड, फास्टर का फुल फॉर्म है। क्लियर। और ये किसने लॉन्च किया है, एनवी रमन्ना साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और इससे क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर देती है उसको सिक्योर रूप से दे सकती है, जो वेल ऑर्डर देती है, बहुत सारे इंटरिम ऑर्डर देते हैं वो। नेक्स्ट है, कर्नाटका की सरकार ने एक रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी लाया है, रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी। इसमें टारगेट क्या है, अगले 5 साल तक, 2022 से 27 तक जो 5 साल, अगले 5 साल का टारगेट है, उसमें 10 गीगावाट ये एनर्जी सप्लाई करेगी, किसे, रिन्यूएबल एनर्जी से। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, किस रिवर पे, चेनाब रिवर पे। इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का नाम क्या है, क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये VVI है। एक मिशन है, मतलब एक स्कीम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया, क्या नाम है उसका, अमृत सरोवर मिशन। अमृत सरोवर मिशन ये किसके अंदर आता है, ये ऑब्वियसली हमारी जो वाटर वाली जल शक्ति मिनिस्ट्री है उसके अंदर आएगी। मेन इसका फोकस है वाटर कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन और रिजुविनेशन। हर जिला में 75 ऐसे वाटर बॉडी है, उसको डेवलप किया जाएगा, या तो पुराने वाटर बॉडी को आराम से फिर से ठीक किया जाएगा। ये सबसे पहला वाटर बॉडी बना था, इस बिल्ड किया गया था, वो कहाँ पे, रामपुर में, यूपी का रामपुर है, वहां पे है, याद रखिएगा। रायलसीमा डायलॉग, ये एक जो संगरीला डायलॉग होता है सिंगापुर में, उसी के तर्ज पे रायलसीमा डायलॉग शुरू किया गया। ये कहां पे, हर साल न्यू दिल्ली में होता है, पता है आपको। और ये जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे बात करते हैं। दो इंस्टीट्यूशन इसको कराती है, एक तो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। कर्नाटका की गवर्नमेंट ने एक एयरपोर्ट जिसका नाम है शिवा मोग्गा, उसका नाम चेंज करके किसके नाम पे रख दिया है, VS येदियुरप्पा जी के नाम पे। ठीक है, एक और मिशन है, और एक और कॉन्फ्रेंस हुआ था, क्या नाम है कॉन्फ्रेंस का, स्मार्ट सिटीज स्मार्ट अर्बनाइजेशन। इस कॉन्फ्रेंस को किन्होंने किया था, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने सूरत में।
इन्होंने सूरत और इंदौर को बेस्ट सिटी का और यूपी को बेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया। क्लियर, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट अर्बनाइजेशन। नेक्स्ट है, 3 दिन का सेमी कॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुआ, किस मिनिस्ट्री ने किया? माइटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने, कहाँ पे? बेंगलोर में। और इनको इनॉग्रेट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। मेन एम क्या है कि सेमी कंडक्टर का हब बनाना इंडिया को, इंडिया को सेमी कंडक्टर का हब बनाना। नेक्स्ट, भुवनेश्वर में एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट। यहाँ पे एक सेंटर खोला गया, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। मेन क्या है कि इंटरनेशनल एम्प्लॉयर्स का, जो बाहर की कंपनी है वहाँ पे जो डिमांड है, जिस तरह के वर्कर की डिमांड है, वैसे वर्कर को वो स्किल प्रोवाइड करना अपने देश में, ताकि वो बाहर कमाने जाए तो उनके पास वो स्किल हो जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना पे हासिल कर सके। उसके अलावा एक पोर्टल है, पोर्टल अवसर, ये लॉन्च किया मनोज सिन्हा जी ने, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। इसे क्या करेंगे, 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉय को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देंगे, 10,000 से ज़्यादा यूथ को, याद रखिएगा। उसके बाद उत्तराखंड की सरकार ने लॉन्च किया है एंटी करप्शन ऐप, एंटी करप्शन ऐप, क्या नाम है उसका, एंटी करप्शन ऐप 1064। इसके तहत लोग आराम से कंप्लेन रजिस्टर कर सकते इस ऐप के थ्रू। उसके अलावा एक कम्युनिटी म्यूजियम बनाया गया है, कहाँ पे? नुब्रा वैली जो है लेह में, तो आपको ये भी याद रख लेना है कि लेह जो कि लद्दाख में जो लेह है वहाँ पे नुब्रा वैली है, उसका एक विलेज है ग्या विलेज, वहाँ पे ससोमा लोग रहते, कम्युनिटी रहते, तो उनके डेली लाइफ से रिलेटेड जो एंटीक्विटीज है ना उनको सहेज के रखा जा सके, इसके लिए उन्होंने म्यूजियम बनाया। नेक्स्ट है, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने क्या किया है, 26 अप्रैल को रिकमेंड दिया कि आप कोवैक्सीन का यूज कर सकते हो इमरजेंसी बच्चों में, जो 6 से 12 साल में बच्चों में, 6 से 12 साल के बच्चों हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, बोरिस जॉनसन जी के बारे में है, ये अभी केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के, यूके के। इन्होंने विजिट किया गुजरात को और जेसीबी प्लांट का इनाग्रेशन किया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बोला है कि वो भागवत गीता बताएंगे अपने बच्चों को, जो 9 से 12वीं क्लास के बच्चे हैं, हिंदी और संस्कृत में। उसके अलावा यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव जी ने लॉन्च किया है एक मैस्कॉट जिसका नाम है प्रकृति, क्यों? ताकि प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज किया जा सके। और उन्होंने एक ग्रीन इनिशिएटिव को भी लॉन्च किया है ताकि प्लास्टिक वेस्ट के मैनेजमेंट है ना उसके प्रोग्रेस को ट्रैक किया जा सके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट कर लिया है कि वो, और एक्चुअली अब बैन भी हो गया है प्लास्टिक 1 जुलाई से। उसके अलावा पहली बार रोड बनाया गया वेस्ट मटेरियल से, कौन से वेस्ट? इंडस्ट्रियल वेस्ट से, ये स्टील स्लैग जो कि प्रोसेस हुआ था सूरत में उसी से बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है ऑपरेशन उपलब्ध, ये टिकट के जो कालाबाजारी होती थी ना उससे रिलेटेड है कि उसको कालाबाजारी को ख़त्म किए ताकि आम लोग को टिकट हासिल हो सके, कॉमन पीपल को, तो ब्लैक मार्केटिंग जो हो जाता था इसको बचने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने लाया। ऑपरेशन पोषण पखवाड़ा ये ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री, ये इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, आप प्लीज इसको हेल्थ मत लगा लें, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर नहीं, और ताकि न्यूट्रिशनल डाइट मिल सके मदर और चाइल्ड को। किसान भागीदारी, ध्यान देना, किसान भागीदारी प्राथमिकता है हमारी, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फैमिली वेलफेयर ने क्या किया है कि फार्मर को अवेयर करवाना गवर्नमेंट के स्कीम के बारे में और इससे फार्मर के इनकम को इम्प्रूव करना। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड फेयर जिसका नाम है आहार 2022, इसको ऑर्गेनाइज किया गया कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, याद रखिएगा। और इसमें क्या होगा, जो हमारे देश के बहुत सारे एक्सपोर्टर्स हैं, जो निर्यातक है, वो एग्रीकल्चर अपने प्रोडक्ट का पार्टिसिपेशन करवा रहे हैं यहाँ पे जनरली जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन वाले प्रोडक्ट है ना उसी को लॉन्च किया जा रहा है, उसका मेन फोकस वही है। उत्तराखंड में एक लॉन्च हुआ एक प्रोजेक्ट, उसका पायलट प्रोजेक्ट उत्तराखंड में लॉन्च किया है, वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है,
किन लोगों ने लॉन्च किया है? एक CII है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, और एक एक फाउंडेशन है जिसका नाम है बिल्स एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये दोनों। और किसके कोलाबरेशन में? जो हमारे इंडियन एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग डिपार्टमेंट है उसमें। तो ये एक गवर्नमेंट का होगा, उसके बाद CII और उसके बाद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। तो ये वन हेल्थ का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करिए। उसका इंडिया का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, ये एस्टाब्लिश कहाँ पे किया जा रहा है? गांधीनगर गुजरात में। और ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करेगा और जो हमारे इकोनॉमी है उसको नीड्स को फुलफिल करने की कोशिश करेगा। राजस्थान पहला स्टेट बना है जो सेटअप कर रहा है इंडिया का पहला एल रूट सर्वर, ताकि ये ई गवर्नेंस को प्रमोट कर सके और अनइंटरप्टेड इंटरनेट सर्विस मिले लोगों को, खासकर गवर्नमेंट सर्विस के लिए। 20वां मीटिंग हुआ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का, कहाँ पे? ये इम्पोर्टेंट है कि मीटिंग कहाँ पे हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ। और इसको चेयर किसने किया? यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का। किस जगह पे हुआ? अरुणाचल प्रदेश में, पक्के टाइगर रिजर्व में। और इस इवेंट में किया क्या गया? हॉर्मिल नेस्ट अडॉप्शन किया गया और एयर गन सरेंडर कैंपेन को कंडक्ट करवाया गया, एयर गन सरेंडर कैंपेन। एक सब वेरिएंट मिला है ओमनिकॉन वायरस का, ये कहाँ पे मिला? मुंबई में, नाम है XE। गवर्नमेंट ऑफ केरला ने टाई अप किया है नीदरलैंड की एक कंपनी के साथ जिसका नाम है कॉस्मोस मालावेरिकस, और ये स्टेट के हिस्ट्री को हाईलाइट करना चाहते हैं इस प्रोजेक्ट के तहत, कॉस्मोस मालावेरिकस। ये कंपनी का नाम नहीं, इस प्रोजेक्ट का नाम है कॉस्मोस मालावेरिकस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, ये कहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखा गया? जामनगर में, याद रखिए जामनगर में। ये सेंटर को एस्टाब्लिश किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, किसके कोलाबोरेशन के साथ? WHO के कोलाबोरेशन के साथ। और मेन फोकस है कि भाई ट्रेडिशनल मेडिसिन को ज़्यादा से ज़्यादा यूज किया जा सके। इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस हुआ, इंडिया का पहला इंटरनेशनल क्रूज कॉन्फ्रेंस हुआ, याद रखिएगा, और अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन। और ये किसके द्वारा किया गया? यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज और मुंबई पोर्ट अथॉरिटी और फिक्की, ये तीनों ने मिलके किया। इंडिया होस्ट कर रहा है 21वां वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन नवंबर 2022 मुंबई में। वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स पहली बार किसी देश में हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है? इंडिया में हो रहा है। फॉर्मर प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने इनागोरेट किया था नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एकता नगर गुजरात। नेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में, एकता नगर गुजरात में हुआ था। मणिपुर ने लॉन्च किया कैच द रेन कैंपेन, बहुत इंपॉर्टेंट, कैच द रेन कैंपेन। क्यों? ताकि वाटर कंजर्वेशन को प्रमोट किया जा सके, कैच द रेन। इंडिया का पहला रैपिड रेल को अनवील किया गया और ये रन चलेगी कहाँ से? गाजियाबाद दिल्ली मेरठ कॉरिडोर पे, और इसका स्पीड होगा 180 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। इट विल ऑल्सो बी फर्स्ट इन द कंट्री टू हैव प्रीमियम कोच ऑन द रीजनल कॉरिडोर, ये भी याद रखिएगा। IIT मद्रास ने लॉन्च किया इंडिया का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, प्रोस्थेटिक नी है, पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक नी, इसका नाम उन्होंने कदम रखा है, ठीक है। योगा महोत्सव ऑर्गेनाइज किया मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने, कब? वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन, और 7 अप्रैल के दिन, कहाँ पे? रेड फोर्ट में, ठीक है ना, याद रखिए। वैसे इंटरनेशनल योगा डे किस दिन मनाया जाता है? 21 जून। और ये पता है 7 अप्रैल से चला तो 21 जून तक खत्म हुआ, ठीक है। उसके अलावा यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग ठाकुर जी ने लॉन्च किया है मैस्कॉट बीरा, बीरा एलिफेंट है, किसके लिए? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के लिए। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम इस बार का कहाँ हो रहा है? बेंगलोर में। कंट्री का टॉलेस्ट मेडिकल टावर, ये कहाँ पे बिल्ड किया जा रहा है? जयपुर में, मेडिकल टावर जयपुर में बिल्ड किया जा रहा है, और ये 22 स्टोरी बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 116 मीटर। एक फेमस कंगरा टी है जिसको हिमाचल प्रदेश में मिलता है और इसको GI टैग मिला है यूरोपियन कमीशन के द्वारा, GI टैग। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड कोऑपरेटिव अमित शाह जी, इन्होंने इनोग्रेट किया है अमृत समागम,
अमृत समागम, ठीक है, और इसमें एक कॉन्फ्रेंस हुआ मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म कल्चर के द्वारा, ये न्यू दिल्ली में हुआ अमृत समागम। वाटरवेज कॉन्क्लेव हुआ, इसको ऑर्गेनाइज किसने किया, इनलैंड वाटर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने, कहाँ पे, डिब्रूगढ़ आसाम में। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने लॉन्च किया है सांस कैंपेन। सांस कैंपेन का फुल फॉर्म क्या है, सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज न्यूमोनिया, टू इंश्योर अवेयरनेस एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ न्यूमोनिया इन चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5। तो सांस कैंपेन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए है, न्यूमोनिया के लिए है। किस राज्य ने किया है लॉन्च, ये किया है कर्नाटक ने। उसके बाद म्यूजिक प्रोजेक्ट है, ये मेघालय ने लॉन्च किया है ताकि आर्टिस्ट को हेल्प कर सके उनके मेडिकल टैलेंट, सॉरी म्यूजिकल टैलेंट को पहले आइडेंटिफाई करेंगे फिर उसको हेल्प करेंगे। तो अप्रैल महीना का हो गया। अब हम इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जुलाई, फिर जून, फिर मई, और फिर इसमें डिस्कस करेंगे अप्रैल, क्योंकि मार्च तक ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहले इन चार चीज़, जैसे पांच चीज़, नेशनल, इंटरनेशनल, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक, डिफेंस और एक एमसीक्यू, ये पांचों पहले डिस्कस कर लेते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे शुरू से, और वो एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे, सिर्फ वही छोड़ देंगे। जैसे बजट 2022 वाला ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, इकोनॉमी सर्वे पिछले साल वाला जो 2022 में हुआ था उसको ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो चीज़ बिल्कुल डिस्कस कर चुके उसको नहीं डिस्कस करेंगे, बाकी सब कुछ डिस्कस करेंगे। और एक प्लेलिस्ट मैं बना दूंगा जो इस पूरे मैगजीन का चीज़ होगा, तो आप सिर्फ ये वाला प्लेलिस्ट को करना है, बाकी कुछ आपको नहीं करना है। तो मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।